बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के उस बयान पर सियासत गर्मा गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना जनता को दे सके, यानी उन्होंने अपनी सरकार को नसीहत दी। लेकिन अब उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया, कांग्रेस से सवाल पूछा है, जवाब मांगा है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी और खड़गे जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। खड़गे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है, कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। आज मैं बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस बात को कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने हिमाचल में क्या क्या घोषणा की थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और आज ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं मंत्रियों से, विधायकों से, भैया तनख्वाह जरा लेना बंद करो। खड़गे जी, देश से माफी मांगिए आप। इस वक्तव्य के बाद खड़गे साहब, कृपया करके आप देश से माफी मांगिए। और राहुल गांधी, हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप भी माफी मांगिए। क्या तेलंगाना, क्या कर्नाटका और क्या हिमाचल, वहां की जनता की आंखों में आपने धूल झोंका। तो यहां पर आप सुन रहे थे रविशंकर प्रसाद, बीजेपी की तरफ से सवाल पूछ रहे थे, राहुल गांधी और खड़गे जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में जनता को मूर्ख बनाया, झूठे वादे किए हैं, और यह भी पूछा कि कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी का क्या हुआ, और यह भी कहा कि अब कांग्रेस के नेता झारखंड में जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने मूर्ख बनाकर लोगों का वोट लिया है, अब बीजेपी हमलावर हो गई है मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान के बाद, और अब सवाल पूछे जा रहे हैं।